बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेट वी विल स्टार्ट लेक्चर 10 चैप्टर 11 ज्योमेट्री। लेट वी आर गोइंग टू स्टडी टॉपिक काइंड्स ऑफ एंगल्स। एंगल, द यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर एंड कॉन्करेंट रेज इज कॉल्ड एन एंगल। इट इज डिनोटेड एज एंगल ए बी सी। एक्यूट एंगल, an angle less than 90 degree is called an acute angle. Look at figure 30 degree. This is acute angle. Right angle, an angle of 90 degree is called a right angle. Figure 90 degree. It is a right angle. Okay. Straight angle, an angle of 180 degree is called a straight angle. Obtuse angle, an angle between 90 degree and 180 degree is called an obtuse angle. Look at figure 130 degree. Reflex angle, an angle between 180 degree and 360 degree is called a reflex angle. Is it clear? Thank you. Now, next topic, parallel lines and intersecting lines. Parallel lines. These lines have the same distance between them and do not intersect one another anywhere. वो दो lines जो same distance की हो और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हूँ, काट नहीं रही हूँ, वो कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इफ टू लाइंस हैव द डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन देम, दे आर कॉल्ड नॉन पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस। दीस लाइंस मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। वो दो लाइंस जो डिफरेंट डिस्टेंस की होती हैं एक दूसरे से, दे आर कॉल्ड, वो कहलाती हैं नॉन पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दोनों लाइंस जो होते हैं एक पॉइंट पे मीट कर रही होती हैं या काट रही होती हैं एक दूसरे को, वो कहलाती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, इज इट क्लियर?